प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। पिछले पीरियड में हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिखाना शुरू कर दिए थे, लेकिन इंटीग्रेशन में चार फार्मूला आपको अलग से आज हम समझाने जा रहे हैं, जो आगे जो कुछ भी बताएंगे उसमें आपको आवश्यकता इसकी पड़ेगी, तो ये भी समझ लेना जरूरत है। तो पहले देखे हम लोग सिखाए इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उसमें क्या करते थे, तो लिखे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डी सी क्या होता है, तो कहे जो कॉस एक्स। तो हम लोग क्या किए, तो लिखे देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो ई कहे जो साइन एक्स। आ इसमें एगो सी जोड़ दिए जिसको कहे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है ये। तो इसका जब डी सी निकाले तो ये आना चाहिए थी, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। सी क्यों कहे दो, यहाँ कोई भी कॉन्स्टेंट होगा तो उसका डी सी जीरो हो जाएगा, जो कि इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। दूसरा वैसा ही समझाए जो डी बाई डी एक्स ऑफ जब कॉस एक्स निकालते हैं तो इसका डी सी क्या आता है, तो माइनस में साइन एक्स। तो इसलिए कहे याद रखना जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो ये कहे कितना, तो ये माइनस में कॉस एक्स और प्लस सी। माइनस इसलिए दिए जब कॉस एक्स का डी सी करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो दो ही को ऐसा फंक्शन मिला जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं, एगो आया साइन एक्स दूसरा आया कॉस एक्स। लेकिन जब आपको इंटीग्रेशन निकालने कहेगा टेन एक्स का बतलाइए, तो यहाँ आप चुप हो जाइएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कहा कॉट एक्स बतलाइए तो चुप हो जाइएगा। क्यों, तो ये किसी भी फंक्शन का डी सी नहीं होता है। ताकि टेन एक्स का डी सी करते हैं तो क्या आया है, तो सेक स्क्वायर एक्स। तो इसलिए हम लोग टेन एक्स का डी सी, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो फार्मूला बन देंगे तब तो लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये आया टेन एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या होगा, कॉट एक्स क्या होगा, ये इस फार्मूला से हमको नहीं पता आने चलने वाला है, क्योंकि ये किसी का डीसी होता ही नहीं है। तो आज हमारा फोकस इसी पर है कि टेन कॉट सेक और कॉसेक चार गो का डीसी इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। तो देखो जरा सा इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। फार्मूला वाला तो फर्स्ट पीरियड में आपको समझा ही दिया है, आज तनी सा इसको सीख लें। यहाँ लिखे पहला कहा इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स यहाँ डी एक्स। आई इज इक्वल, तो आप कहे इंटीग्रेट करिए किसका, तो टेन एक्स डी एक्स। तो टेन एक्स के लिए लिख दें यहाँ साइन एक्स बाय कॉस एक्स, यहाँ लिख दो डी एक्स। अब कॉस एक्स को कुछ मान लो, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू, तो मान लिए कि डिफरेंशिएटिंग बी जे, तो कॉस एक्स का डी सी हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया डी। तो माइनस तीन हटा दो तो यहाँ लिख दिए साइन एक्स डी एक्स, तो इधर माइनस कर देंगे तो हो गया डी। तो देयर फोर आई इज इक्वल टू, तो ये तो हो गया वन बाई, तो कॉस एक्स को क्या मान लिए, तो टी।
तो साइन एक्स डी एक्स कितना आ गया, तो ये आया माइनस जी टी, तो माइनस को बाहर कर लें तो ये हो जाएगा वन बाई टी डी टी। तो हम लोग फार्मूला पर हेज इंटीग्रेशन नीचे का डी सी जब भी कहे ऊपर मिल जाए तो लॉग लगा देना, तो माइनस लॉग ऑफ मॉड टी और प्लस सी, तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ मॉड और टी किसको माने तो कॉस एक्स और प्लस सी। तो ऐसा भी याद रहे तो सही हो गया, लेकिन हम लोग याद रखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स लॉग सेक एक्स कैसे आ जाएगा, तो इसको लिख दो जो माइन लॉग ऑफ, अब मॉड हटा दें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कि हो गया कॉस एक्स का पावर माइनस वन प्लस सी, तो दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ तो वन बाई कॉस एक्स कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और सी, तो वन बाई कॉस एक्स हो गया सेक एक्स, तो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स याद रखना है कि होता है लॉग ऑफ सेक एक्स और प्लस सी। दूसरा जैसे टेन एक्स का समझाए, अगर कॉटेक्स का इंटीग्रेशन रहे तब क्या आता है सो देखो, दूसरा समझाए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, यहाँ लिखे डी एक्स, तो कॉट एक्स को तोड़ दें तो कॉस एक्स और बाई साइन एक्स और यहाँ डी एक्स। अब साइन एक्स को कुछ मान लेंगे तो लेट साइन ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएटिंग बी गेट, तो कॉस एक्स साइन एक्स का डी सी क्या आएगा तो कॉस एक्स डी एक्स हो गया डी। तो देखो यहाँ कॉस एक्स डी एक्स है तो देयर फोर आई इज इक्वल टू, तो वन बाय साइन एक्स हो गया टी और कॉस एक्स डी एक्स हो गया डी टी, तो फिर ये हो गया लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी, दे दोगे तो दे दो, तो ये हो गया लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ, तो टी किसको माने हैं तो साइन एक्स और प्लस सी, बेस देना है तो दे देना, तो देयर फोर याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स तो कितना तो लॉग ऑफ साइन एक्स बेस ई प्लस सी, मोड देना का मतलब है कि पॉजिटिव बताना है, दे दोगे तभी सही है, छूट गया तभी सही है। अब देखें तीसरा सेक एक्स का क्या होता है सो जरा सा समझें, इसको फार्मूला के तरह याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स यहाँ डी एक्स, तो अब इसमें क्या है कि इसमें याद रखना पड़ेगा, इसमें क्या याद रखना है कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स है तो सेक एक्स और प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ अब नीचे वाले को मान लो ऊपर, लेट
एक एक्स और प्लस टेन एक्स इसी को मान लिए टी तो डिफरेंशिएटिंग बी ये तो सेक एक्स का डी सी क्या होता है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का डी सी सी होता है सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ लिख दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स हो गया डी टी। तो इससे जब सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो उलट के खाली लिख लो पहले इसको लिख दो तो ये हो गया सेक एक्स और प्लस में ये बच जाएगा टेन एक्स यहाँ डी एक्स इज इक्वल टू से यहाँ आया डी टी। तो देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स हो गया डी टी देयर फोर आई इज इक्वल टू हो गया वन बाई टी यहाँ डी टी। तब तो ये हो गया दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। अभी हो गया लॉग ऑफ मॉड टी किसको माने तो सेक एक्स और प्लस टेन एक्स और प्लस सी। अब देखो ये फार्मूला इतना ही है। अब इंटीग्रेट जब हम लोग आगे भविष्य में डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जिसमें लिमिट दिया रहेगा लोअर और अपर तो वहाँ ये फार्मूला से कहीं कहीं सलूशन नहीं दे पाता है। तो उस अवस्था में हम लोगों को थोड़ा सा और आगे बढ़ करके यहीं दिखला देते हैं और वहाँ आएगा तो यूज कर लिया जाएगा। तो दैट इज इक्वल तो यहाँ लिख दिए जो लॉग ऑफ तो सेक एक्स को तोड़ दिए तो ये हो जाएगा वन बाय कॉस एक्स और टेन एक्स को तोड़ लेंगे तो ये हो गया साइन एक्स बाय कॉस एक्स और प्लस सी। तो यहाँ देखेंगे ये कितना आ गया लॉग ऑफ तो एलसीएम तो कॉस एक्स हो गया तो ये बच गया वन प्लस साइन एक्स और बाय कॉस एक्स और प्लस सी। तो बहुत लंबा भाग रहा है करें भी तो क्या चलो तो एक काम करते हैं छोटा रास्ता समझाते हैं। तो वन प्लस यहाँ लिख लो जो कॉस ऑफ एंगल पाई बाय टू माइनस एक्स तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। और यहाँ लिख दें जो साइन ऑफ एंगल तो पाई बाय टू प्लस वाला जो तो यहाँ अगर प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस कर लो काहे तो कॉस 90 प्लस थीटा ये हो जाता है माइनस में साइन थीटा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि ये अगर प्लस रखेंगे तो कॉट में आएगा हमको चाहिए फार्मूला टेन में तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको चेंज कर दिए। तो अब ये हो गया लॉग अब वन माइनस कॉस एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंगल जितना रहे उसको हाफ कर दो तो पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू। आ यहाँ क्या करो ये सब मल्टीपुल एंगल का फार्मूला लगा दो तो साइन एक्स का ये हो गया टू साइन एक्स बाई टू करेंगे तो हो गया पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो यहाँ देखिए ये टू से टू कट जाएगा एगो साइन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा ऊपर मिटा के समझा दे। टू से टू काट लो एगो साइन काट लेना
तो क्या बच जाएगा ऊपर साइन नीचे कॉस, तो ये हो गया लॉग ऑफ मॉड साइन ऑफ एंगल पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, और नीचे बच जाएगा कॉस ऑफ एंगल पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, तब से ये प्लस सी लिख लो, और साइन बाय कॉस हो गया टेन, तो ये हो गया लॉग ऑफ मॉड टेन ऑफ एंगल पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू प्लस सी। तो देखो जो दो गो फार्मूला इसका हमको तैयार हुआ, ये वो तो यहीं पर में दे देंगे, तो याद रखना देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, तो ओरिजिनल फार्मूला आया लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अब बेस ई प्लस सी लिख देना, या ई वाला लिख कहे तो ये डिफिनिट में काम देगा, ऐसे इंडिफिनिट में इसी से काम चला देना, तो लॉग ऑफ मॉड टेन ऑफ एंगल पाई बाय फोर आ प्लस एक्स बाय आ प्लस सी। अब लास्ट है चौथा कॉसेक एक्स का, जरा समझ लिया जाए, कहा इंटीग्रेट करिए, सवाल भी पूछा जाता है कि कोसेक एक्स डी एक्स, तो इसमें क्या करने याद रखना है कि इंटीग्रेशन करना दे तो कोसेक एक्स इसमें गुना कर देना कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स और डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स, यहाँ लिख दो डी एक्स। अब इसी को कुछ मान लो, देखो इसका डी सी ऊपर आ जाएगा, लेट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टी, तो डिफरेंशिएटिंग बी गेट, तो कोसेक एक्स का क्या होता है डी सी, तो माइनस कोसेक एक्स आई इंटू कॉट एक्स, आई कॉट एक्स का तो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दैट इज इक्वल टू, तो टी का लिखे डी टी। तो अब ये कोसेक एक्स अगर पहले से कॉमन ले लें तो कोसेक एक्स तो पहले इसी को लिख दो, तो ये आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस ये निकल गया तो यहाँ बच गया कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो देखो ऊपर में जो कुछ है उसका वैल्यू डी टी में चेंज हो गया है, तो देयर फोर आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टी यहाँ डी टी, तो फिर यही हो गया लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी, जैसे दे दी तो ये हो गया लॉग